हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं मनीष शर्मा आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों एग्जाम आईडी 51 में। और दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक पज़ल पर। एक ऐसी पज़ल मैंने यहाँ पर ली हुई है, यहाँ पर दो केसेस हैं। यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग स्क्रीन पर कि लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या 10% की बात हो रही है, ठीक है। 10 लोग बैठे एक सर्कल पे, प्लस साथ में यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दी गई है। यहाँ पर ऐड दोस्तों कर दिया गया है ब्लड रिलेशन। जब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उनके माइंड पर एक चीज़ आती है कि इस क्वेश्चन का सबसे पहले हमें क्या ब्लड रिलेशन का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्या इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। बट ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, यहाँ पर हमें ब्लड रिलेशन का किसी भी प्रकार का कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल हम दो केस में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन हमें एसबीआई हो गया या फिर आईबीपीएस के आपको के एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, देखेंगे स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। 10% JKLMNOPQRS ओके आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर। सबका फेस किधर है? सेंटर की ओर है, बट इसी ऑर्डर पे नहीं बैठे, साफ साफ बोल दिया। बट यहाँ से एक चीज दोस्तों बोली गई, यहाँ पर बहुत ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ईच ऑफ देम इज ऑल्सो रिलेटेड टू एम, ठीक है। कि प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सबका जो रिलेशन है वो किसके साथ है? एम के साथ है, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है। अब देखिए स्टार्ट यहाँ से होता है क्वेश्चन हमारा। ओनली 2% सिट बिटवीन क्यू एंड एल, दो लोग एल और क्यू के बीच में बैठे हैं। तो हमने क्या करते हैं यहाँ पर, एक बार मैंने मान लिया भाई क्यू हमारा इधर बैठा होगा, क्लियर है। और एक बार हमने मान लेते क्यू हमारा इधर बैठा होगा। अब एल की बात हुई है क्योंकि क्यू और एल के दो बीच दो लोग हैं। तो एक बार मैं सोचता हूँ, देखो एक पर्सन और एक ये 2%, तो एल हमारा कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एल। देन इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, सेकंड केस टू के अकॉर्डिंग एक और दो। एक बार मैंने क्या किया दोस्तों, एल को मैंने क्यू के राइट में बैठा ला और एक बार क्यू के मैंने लेफ्ट में बैठा दिया एल को, क्लियर है। इसके बाद देखिए लिखा है कि एम सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ क्यू। एम जो है वो क्यू के लेफ्ट सेकंड बैठा है। पहले केस के अकॉर्डिंग हमारा एम कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग भी हमारा M कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा। M का प्लेस तो कंफर्म है क्योंकि Q के लेफ्ट सेकंड बैठा हुआ है। अब देखें यहाँ पर क्या कहता है। ओनली 3% सिट बिटवीन L एंड M's सिस्टर। यहाँ पर तीन लोग क्या है बैठे, केवल तीन लोग बैठे L और M की सिस्टर के बीच में, ठीक है ना। तो पहले वाले केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर L बैठा है, तो आप देखोगे L के, चाहे आप L के राइट काउंट करो या फिर लेफ्ट काउंट करो, उसके अपोजिट में ही आता है, उसके 3% हो जाएंगे, ठीक है। देखो 1, 2, 3, यानी यहाँ से काउंट करोगे 1, 2, 3, तो M की जो सिस्टर है दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरह से ये, ठीक है। तो ये बैठी हुई है M's सिस्टर, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग M सिस्टर किधर आ जाएगी? इस वाले पोजिशन पर आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है? M की सिस्टर बैठी है यहाँ पर, क्लियर है भाई। चलिए इसके बाद देखिए आगे क्या बोलता है कि M's son sits second to the right of M's sister। M का जो son है वो M के राइट सेकेंड पोजिशन पर बैठा हुआ है। अगर पहले वाले केस की बात करेंगे, सब फेस सबका किधर है? इन है, फेस सबका इन है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सबका फेस इन दिया हुआ है, तो हम फेस यहाँ पर इन कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे बनाते नहीं है लेकिन दिया गया है, फिर भी हम यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे तो क्लियर चीजें हो जाएंगी हमारे पास इस तरह से, ठीक है। अब M का राइट किधर होगा दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। M की सिस्टर यहां बैठी, तो M का सन कहां बैठेगा? यहां पर। तो इस वाली कंडीशन में बैठा है कौन आकर? M का सन बैठा हुआ है। अगर इसके बाद इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्योंकि देखेंगे यहां पर क्या है, राइट सेकंड बैठा हुआ है। राइट सेकंड के अकॉर्डिंग हमारा M का सन किधर बैठ जाएगा? 1 और 2 यहां पर बैठ जाएगा केस टू में, क्लियर है। M सन यहां पर आ गया। देन इसके बाद आगे स्टार्ट करते देखिएगा लिखा है क्वेश्चन में क्या। ओनली 1% सिट बिटवीन M सन एंड S। केवल एक लोग M के सन और S के बीच में बैठे हैं। देखिए केस अगर टू की बात कर लें, केस टू की बात कर लें कि M सन और यहां पर तो नहीं बैठ सकता क्योंकि यहां पर तो L बैठा है। देन यहां से कंफर्म हो जाएगा कि S जो है वो कौन है? M की सिस्टर। तो S कौन हो गई दोस्तों? M की सिस्टर हो गई, ये कंफर्म हो गया यहां से, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या हो सकता है कि M की सिस्टर किधर हो सकती है, ठीक है ना, कि M का सन यहां पर है तो यहां पर तो L होगा नहीं, तो M की सिस्टर कहां पर आएगी? यहां पर आएगी। तो ये चीज कंफर्म हो गया हम लोगों को कि जो M की सिस्टर है उस वो कौन है दोस्तों? S है, ठीक है। ये देखो ये चीज क्लियर हो गई हमें, ठीक। M की सिस्टर कौन है? S है। देन अब यहां पर हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है कि J sit to the immediate right of R।
जो जे आपका है वो आर के इमीडिएट राइट बैठा है, तो हमारे पास दो ऐसे प्लेस खाली चाहिए जे और आर के बैठने के लिए। बट आगे उसने कंडीशन लगा दी है कि आर इज नाइदर द सन नॉर द मदर ऑफ एन। आर जो है ना तो सन है और ना ही मदर है किसका, एम का। अब देखो दोस्तों ध्यान से बात समझिए, यहां पर इस कंडीशन पे तो आपका आर और जे नहीं आ सकते हैं, ना यहां पर आ सकते हैं ना यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि सन भी नहीं है। ठीक है, अगर जे बैठा लोगे तो यहां पे नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, ये कंडीशन हमारी नहीं बन पा रही है यहां पर। बोलेगा समझ बता रही है यहां पर, ठीक। और इसके अकॉर्डिंग में क्या है, हमारा यहां पे नहीं बैठ पाएगा, जे बैठेगा तो यहां पर आर नहीं बैठ पाएगा, यहां पर एस बैठा है तो कंडीशन हमारी यहां पर इसमें क्या बन रही है कि जे हमारा कहां बन रहा है, यहां पर। अगर जे को मैंने एम का सन मान लिया तो आर कहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये कंडीशन चलो यहां पर बन गई। लेकिन इसके अकॉर्डिंग बात कर ले, हमारे पास एक कंडीशन बनी हुई है तो हमारा जे जो हो जाएगा आपका, क्योंकि देखेंगे इमीडिएट जे इज द इमीडिएट राइट ऑफ आर, सॉरी है, ठीक है, तो यहां तो कंडीशन नहीं बन पा रही है, ठीक है, तो जे जो है आपके जे जो है वो आर के इमीडिएट राइट है। हाँ चलो ठीक है, अगर मैंने आर को यहाँ बैठा तो ठीक है, एक बार देखिएगा कंडीशन यहाँ पर बन जाती है हमारी, अगर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर करते हैं यहाँ पर हम कंडीशन पहले हटाते हैं ये वाला, और जे को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, और आर को यहाँ से हटाते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि बोला गया है कि जे जो है वो इमीडिएट आर के बैठा है। अब आर जो है वो ना तो मदर है और ना ही सन है, तो आर तो यहां तो नहीं आएगा, तो आर यहां पर आ सकता है। जब आर इधर आएगा तो राइट एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो आर को अगर मैंने यहां बैठा दिया तो जे कहां पर आ जाएगा, सन हो जाएगा, यहां पर आ सकता है, जे यहां पर आ सकता है, ठीक है। देन आगे बात करें इसके अकॉर्डिंग किधर बैठेगा, इसके अकॉर्डिंग यही दो हमारे पास प्लेसेस है, नहीं प्लेसेस है। देन हमारा आर किधर आ जाएगा, आर इधर आएगा, और जे किधर आएगा, इमीडिएट राइट पे आ जाएगा। ये कंडीशन यहां पर हमारी बन गई है। इसके बाद देखिएगा, कहता है एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम्स मदर। जो एस है वो क्या है, एम की मदर की इमीडिएट नेबर है। एस कहां पर है, यहां पर है। देन इसके कंडीशन में भी हमारा एस यहां पर है, तो यहां पर देखिएगा एम की मदर कौन, तो क्यू हो जाएगी एम की मदर, तो ये आपकी क्यू हो गई एम की मदर। समझ बात आ गई, तो क्यू क्या हो गया, एम की मदर हो गई। बट इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे आर तो मदर नहीं था, तो यहां पर भी कंफर्म हो जाएगा ये जो क्यू रहेगी वो क्या रहेगी, एम की मदर, ठीक है। तो यहां से इस डायग्राम से हमें ये कंफर्म हो गया है कि जो क्यू है वो एम की मदर है। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया देखिएगा, लिखा है ओनली थ्री पर्सन्स बिटवीन एम्स मदर एंड एम्स ब्रदर। तीन लोग एम की मदर और एम के ब्रदर और एम की मदर के बीच में है। देन एम की मदर यहां पर है, तो यहां पर बिल्कुल सेकेंड केस टू में देखोगे, केस टू में आपका जो रहेगा एम का ब्रदर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा एम का ब्रदर। और केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा फिक्स हो जाएगा आर, तो आर हो जाएगा एम का ब्रदर। क्लियर है, आर कौन हो जाएगा, एम का ब्रदर हो जाएगा। यहां से कंफर्म हो गया आर की जो रिलेशन है वो क्लियर हो गया है, बट यहां पर अभी हमें नहीं पता है कौन आ सकता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, एम्स डॉटर सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एम्स ब्रदर। एम की जो डॉटर है वो लेफ्ट में किसके है, एम के ब्रदर के, ठीक है। तो यहां पर देखोगे इसके अकॉर्डिंग एम का ब्रदर यहां बैठा है, इसके लेफ्ट सेकेंड यहां पर कौन आ जाएगा, आर, तो आर कौन हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा एम की डॉटर, एम की डॉटर हो गया इस वाले के अकॉर्डिंग। अगर हम इसके बात कर लें, इसके अकॉर्डिंग बात कर ले तो यहां पे कौन आएगा, एम की डॉटर, ठीक है, यहां पर एम्स डॉटर आ गई, बट अभी कौन है हमें नहीं पता अभी, ठीक है। देन इसके बाद आगे देखेंगे, लिखा हुआ है कि एम्स फादर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एम का जो फादर है वो क्या है दोस्तों, एम का पड़ोसी नहीं है। अब जरा मेरे को केस टू में देख के बताइए कि यहां पर देखिए, यहां पर केस टू में देखेंगे ध्यान से जरा आप लोग, कि यहां पर तो एम का फादर नहीं बैठ सकता है एल की पोजीशन पर, और ना ही एम के यहां पर राइट बैठ सकता है। अब इन कंडीशन पर केस टू पे देखिए, कहीं पर क्या आप एम के फादर को बैठा सकते हो, नहीं बैठा सकते हैं। देन हमारा ये केस टू क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए केस टू क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो किससे आएगा, आपके केस फर्स्ट से आएगा। देन यहां पर बात कर ले हम कि एम का नेबर कौन है, एम का फादर नहीं है, ठीक है, एम का फादर एम का नेबर नहीं, तो यहां पे कौन है, एल हो जाएगा, तो एल आपका कौन हो जाएगा, एम का फादर। क्लियर है भाई, एल कौन हो गया, एम का फादर हो गया, बात समझ में आ गई,
ठीक है। देन इसके बाद ये लिखा हुआ है क्या कि एम स्वाइप से थर टू राइट ऑफ के एंड एल इज टू द राइट ऑफ क्यू, एल जो है वो क्यू के राइट में, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो जाता, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली फोर पर्सन लेकिन लास्ट लाइन ओनली फोर पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एम्स फादर, कह रहा है केवल चार लोग क्या है एम और एम के फादर के बीच में है। तो देखो कि यहां पर क्या है कि यहां पर एम बैठा हुआ है हमारा, ये एम बैठा हुआ है और इसके बीच में देखोगे एक दो तीन और चार, एम के फादर और एम के बीच में केवल कितने चार लोग बैठे हैं, ये कंफर्म हो गया है। देन अब यहां पर बात आती है कि एम की वाइफ जो है वो के राइट थर्ड बैठी है। अब के राइट थर्ड कौन हो सकता है, यहां पर देखोगे अगर हम एम के सन को अगर के मानते हैं तो वन टू थ्री यहां कौन आ रहा है, आर आ रहा है, तो यहां तो नहीं आएगा। देन यहां से कंफर्म हो जाएगा के हमारा कहां बैठेगा, यहां पर बैठेगा, तो के कौन हो जाएगा दोस्तों, एम की डॉटर हो जाएगी, ठीक है। के आपकी हो गई एम की डॉटर और वन टू थ्री आर, जे कौन हो गई इसकी वाइफ, जे कौन हो गई वाइफ, देन हमारा ये जो पी होगा, पी आपका हो जाएगा एम का बेटा। बात समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है राइट बनकर एकदम तैयार हो गया है। तो ये इस क्वेश्चन को करने में देखिए ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा आपको, मैक्सिमम से मैक्सिमम बता दूं मैं केवल एक मिनट से बहुत ही ज्यादा कम लगेगा, ज्यादा समय लगाएंगे आप अगर करने पे तो इसको मैक्सिमम मैं बोल सकता हूँ कि 60 से 70 सेकंड में आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेबस क्या है, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस होगी बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, आई होप आपको समझ भी आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यही सोचते होंगे कि सर तो पहले तो इसका तो मुझे इसका जो ब्लड रिलेशन का जो डायग्राम है वो बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर केवल हमें बैठाना था लोगों को और वहाँ पर पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्लियर हो गया भाई, तो यहाँ चीज़ हमें हमारे पास एक चीज़ क्या क्लियर हो गई मैं बता देता हूँ यहाँ पर आके, देखिएगा एक मैं कलर चेंज करके मैं पर्सन को लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्लियर हो जाएंगे। देखोगे तो यहां पर अब बात करें एम की सिस्टर कौन है दोस्तों, एस, ठीक है, एम की सिस्टर एस है और एम की वाइफ कौन है दोस्तों, जे, ठीक है, एम की वाइफ जे है और आर का भाई कौन है, सॉरी एम का भाई कौन है, आर, क्लियर है भाई। इसके बाद एम का फादर कौन है, एल, देन ये के कौन हो जाएगी, एम की डॉटर, ठीक है, के हो जाएगी एम की डॉटर और ये जो पी है आपका है, पी हो जाएगा एम का सन और ये जो क्यू है दोस्तों, क्यू हो जाएगा एम की मदर। क्लियर है यहां तक, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो भैया तुरंत आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए हमारी इस वीडियो को, ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू आप सभी का।